अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। यहाँ पर हमने एक किलो बीफ का कीमा लिया है। एक दफ़ा हमने इसको कसाब की दुकान से मशीन से निकलवा लिया था। अब इसके अंदर दो मीडियम साइज़ के प्याज मैंने रफली चॉप कटी में काट लिए थे, ये इसके अंदर शामिल करेंगे। साथ ही इसके अंदर चार मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, ये इसके अंदर शामिल कर लेंगे। एक खाने का चम्मच कुटा हुआ अदरक शामिल करेंगे। एक ही खाने का चम्मच कुटा हुआ लहसुन शामिल करेंगे। साथ में इसके अंदर एक चाय के चम्मच सुरख मिर्च पीस भी शामिल करेंगे, एक चाय का चम्मच नमक, एक चाय का चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा, एक चाय का चम्मच पीसा हुआ गर्म मसाला और आधा चाय का चम्मच हल्दी। ये चीज़ें हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। और यहाँ पर साथ ही इसके अंदर दो कप पानी शामिल कर देंगे। आग को हमने ऑन कर लिया है, अब हम इसको एक बॉयल आने देंगे। जैसे एक बॉयल आएगा तो हम इसे मीडियम आंच पर पकने के लिए रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। यहाँ पर कीमे को पकते हुए आधा घंटा हो गया है। दरमियान में मैंने दो दफ़ा इसके अच्छी तरह से कीमे की मिक्सिंग कर ली थी। यहाँ पर देखिए जो हमारा पानी है वो ड्राई हो गया है। अब इसके अंदर एक चौथाई कप घी का शामिल कर देंगे। घी शामिल करने के बाद यहाँ पर हम चार से पाँच मिनट कीमे की अच्छी तरह से भुनाई करेंगे ताकि जो कीमे की वो स्मेल है वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। यहाँ पर हमने कीमे की अच्छी तरह से पाँच से छः मिनट भुनाई कर ली है। अब इसके अंदर एक चाय का चम्मच फूल भर के हम चाट मसाले का शामिल करेंगे। चाट मसाला शामिल करने से कीमे का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। चाट मसाले की अच्छी तरह से हमने मिक्सिंग कर ली है। अब इसके अंदर बड़ी कटी हुई अदरक शामिल करेंगे और साथ में इसके अंदर सब्ज मिर्चें कटी हुई शामिल करेंगे। ये हमारा टेस्टी सा जो कीमा है रेडी हो गया है। अब हम इसको प्लेट में निकाल देंगे। यहाँ पर हमारा बेहतरीन लाहौरी कीमा रेडी हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।